Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing about the plane of symmetries. Plane of symmetry. So we have discussed planar molecules and some non-planar. Today we discuss another non-planar molecule, that is the methane, CH4. इसमें N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 3 इसमें C4 C3 है, नहीं 4, और 3 इसमें थे C2 थे, ये पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है. ये C3 है और इस तरह यहाँ से C2 है ना. अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम देख लें, इस मॉलिक्यूल को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, कैसे, सी ये H1 E1 और 2 और ये एक 3 और ये 4, इस फॉर्म में है ना. अब अगर हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इमेज कैसे बनेगा. ये ऐसा ही होगा ना, सिर्फ ये हो जाएगा कि ये सी, ये एच वन जो राइट पर है इधर लेफ्ट पर हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट पर है ये इधर राइट में हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, वो इधर भी बाहर रहेगा, तो ये बाहर है और ये एक इनसाइड में रहेगा, 3 और 4. या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर, यानी इसी का अगर हमने इमेज बनाना है तो इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी अगर ऐसे लिख लें, ये H3 और ये H4, ये दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये H3 बोर्ड से बाहर है, और इसका भी यही मतलब है कि H3 बोर्ड से बाहर है. H4 बोर्ड के इनसाइड में है और ये H4 बोर्ड के इनसाइड में है. इस तरह इस केस में भी ये H4 बोर्ड के इनसाइड में है, ये H3 बोर्ड से बाहर है, तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं. या अगर इसको हम उठाकर इसके ऊपर रख दें तो ये H1 H2 पर, और H2 ये H1 के ऊपर आ जाएगा, और H3 H3 के ऊपर आएगा, और H4 के ऊपर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये एक सिमेट्री प्लेन हो गया. सो दिस पोजेस वन सिग्मा, यानी ये हमने ये ऐसा है ना, जब सिग्मा अप्लाई कर लेते हैं तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है. अब ये कौन सा प्लेन है, कि ये वाला प्लेन है, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे इस प्लेन से हमने, या दूसरे अल्फाज में यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे ना. किस तरह, यानी यहाँ से काट रहे हैं ना ऐसे, तो ये H1 और H2 एक तरफ दूसरी तरफ हो जाएंगे, और ये कार्बन कट जाएगा, ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा. तो ये एक प्लेन है, फिर सिमेट्री प्लेन है. यानी इस प्लेन से जब इस मॉलिक्यूल को हम दो हिस्सों में काट लेते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर कॉपी है. या यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है. सो देयरफॉर दिस इज़ अ मिरर प्लेन. अब ये मिरर प्लेन कौन सा है, देखो इसको अगर हम यहाँ तक इस तरह, ये सारा प्लेन है यहीं से गुजर रहा है ना, ये इसी तरह इसमें से इस तरह गुजार सकते हैं. ऐसा प्लेन है ना, तो अब इस प्लेन में ये भी आ रहा है ना, ये H, यानी ये H1, ये है H3 और H4 ये इस प्लेन में से हैं, और इसका C3 प्रिंसिपल एक्सिस वो इस H3 के पैरेलल है. तो इसका मतलब ये प्लेन, दिस प्लेन कंटेन्स द प्रिंसिपल एक्सिस C3, सो देयरफॉर दिस इज सिग्मा V. अब इसमें और कहाँ पर पॉसिबल है, देखिए ये कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिवाइड कर रहा है,
तो ये बॉन्ड एंगल को हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल को ये डिवाइड कर रहा है। तो अब ये बॉन्ड एंगल इसमें कितने हैं, ये बॉन्ड एंगल इसमें 6 है, तो इस तरह इसमें से 6 प्लेन ये पॉसिबल है। देखिए ये इस तरह बॉन्ड को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड एंगल जितने होंगे, आप ये इस केस में तो सिर्फ एक को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 बन जाएंगे, 6 बनते हैं यहाँ, तो ये सिग्मा वी है इसमें, दिस इज सिग्मा वी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज के लिए इतने मॉलिक्यूल्स काफ़ी थे। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट की तरफ जाते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। द थर्ड वन इज इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, या इसको रिफ्लेक्शन रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस और रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस, जो भी कहें रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस। रिफ्लेक्शन रोटेशंस एक्सिस यानी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेशंस, इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस रोटेशन दिस सिमेट्री ऑपरेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव ऑपरेशंस, और ये दो जो सक्सेसिव ऑपरेशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे, यानी ऑपरेशन वन देन ऑपरेशन टू, ऑपरेशन वन एंड देन ऑपरेशन टू इज एस एन। तो ये दोनों इंडिविजुअली ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस नट सिमेट्री ऑपरेशन, ये दोनों इंडिविजुअली सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन इनका प्रोडक्ट वो फिर सिमेट्री ऑपरेशन होगा। यानी पहले रोटेट करते हैं, इसमें दो है, एक दफ़ा रोटेट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ओनली रोटेशन दिस इज नॉट अ सिमेट्री ऑपरेशन, ओनली रिफ्लेक्शन दिस विल नॉट बी अ सिमेट्री ऑपरेशन। लेकिन जब दोनों को कम्बाइन कर लेते हैं, दोनों सिमेट्री ऑपरेशन को कम्बाइन करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कन्फिगुरेशन बननी है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। सो इट इज कॉल्ड एज रोटेशन रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट is rotated through an axis followed by reflection through a plane perpendicular to rotation axis to axis of rotations। If a molecule is rotated, या ऐसे कह सकेंगे, if rotation of a molecule through an axis, ऐसे लिख लेते हैं, if rotation of a molecule or an object through an axis followed by reflection through a plane perpendicular to axis of rotations produces an indistinguishable configurations। Then the molecule is said to possess rotation reflection axis। Molecule is said to possesses rotation रिफ्लेक्शन एक्सिस। यानी पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, अब इस रोटेशन से सिमेट्री ऑपरेशन का बनना ज़रूरी नहीं है, फिर रोटेशन के बाद इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक प्लेन से, लेकिन वो प्लेन इस
एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरह रोटेट करते हैं, पैर रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो इस तरह करने से ये दो सिमेट्री दो ऑपरेशंस अप्लाई करने से अगर मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है देन वी से इट इज कॉल्ड इट इज पोजेस रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। या इसको द अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, यानी इस तरह इफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू अ प्लेन फॉलोड बाय रोटेशन थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इसको रिवर्स कर लेते हैं ना, पहले रिफ्लेक्ट करते हैं, इफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू अ प्लेन फॉलोड बाय रोटेशन थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस एन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। यानी पहले सी एन रोटेट करते हैं और फिर इसी एन के परपेंडिकुलर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं सी एन और फिर है सिग्मा एच। अब ये सिग्मा एच सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, एच सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि ये प्लेन इस सी एन के परपेंडिकुलर है। अब सिग्मा एच तो तब कहेंगे जब ये सिमेट्री प्लेन होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिमेट्री प्लेन होगा, ये अलग में सिमेट्री प्लेन नहीं होगा। इस तरह ये सी एन ये अलोन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है और इसको एस एन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब अगर इसको हम रोटेट करते हैं 90 से तो ये हो जाएगा सी फोर और सिग्मा एच और एस फोर। इस तरह अगर इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा सी सिक्स सिग्मा एच एंड एस सिक्स एंड सो ऑन। या इस तरह पहले रिफ्लेक्ट करते हैं सिग्मा और फिर रोटेट करते हैं थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इट प्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस देन वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट पोजेस एस एन इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। अब इसको दो तीन एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मीथेन ले लेते हैं CH4, ये CH4 है, इसको अगर हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे CH, ये 1 है ये 2 है ये 3 है और ये 4 है। यानी कार्बन हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोर्ड के प्लेन में है और ये हाइड्रोजन 3 बाहर है, हाइड्रोजन 4 इनसाइड में है। अब अगर इसको मैं इस एक्सिस से हम रोटेट कर लेते हैं थ्रू दिस एक्सिस और किस एंगल से 90 एंगल से अगर हम रोटेट करते हैं तो 90 एंगल के रोटेशन से क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। अब यहां पर जो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोट के प्लेन में थे, जब इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 बाहर आ जाता है और हाइड्रोजन 1 इनसाइड में चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन 3 जो बाहर था और हाइड्रोजन 4 जो बोट के इनसाइड में है, ये हाइड्रोजन 4 बोट के प्लेन में आ जाएगा और हाइड्रोजन 3 भी बोट के प्लेन में हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, यानी इससे हो जाएगा ये जब रोटेट कर लेते हैं तो एक तो ये हाइड्रोजन 2 बाहर आ जाएगा सी, ये हाइड्रोजन 2 बाहर हो गया और ये हाइड्रोजन 1 ये इनसाइड में हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन 3 था ये इस तरह लेफ्ट साइड पर बोट के प्लेन में, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4, तो ये हमने रोटेट कर दिया है ना। तो अब ये रोटेशन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल और ये जो इसका इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है ये डिस्टिंग्विशेबल है, हमें पता चल जाता है कि इसको रोटेट किया गया है, इन दोनों में फ़र्क है। कैसे, यहाँ ऊपर वाले हाइड्रोजन प्लेन में है
बोट के प्लेन में है, इधर नीचे वाले हाइड्रोजन बोट के प्लेन में है, ये नीचे वाले इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर है एक इनसाइड में, इधर ऊपर वाले हाइड्रोजन एक बाहर है एक इनसाइड में है, और इसको हमने क्या किया है इस एक्सिस से रोटेट किया है यहाँ से। अब हमने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर लें, इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो जाएगा, इस प्लेन से अगर हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं यानी यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर अगर हम मिरर लगा लेते हैं, अभी ये प्लेन यानी ये जिस प्लेन से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये वाला प्लेन है, ऐसे इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करना है, इधर मिरर लगाना है, तो ये प्लेन इस C2 के परपेंडिकुलर है, पहले हमने रोटेट किया है अब इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जब इधर मिरर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, ये जो नीचे वाले हैं इसका इमेज ऊपर नजर आएगा यानी सी, ये हो जाएगा H4 और ये हो जाएगा H3, और ये नीचे इस ये जो बाहर की तरफ है ये ऐसा है, ये H2 बाहर है तो ये इधर नीचे बाहर की तरफ नज़र आ जाएगा H2, और ये H1 इनसाइड में चला जाएगा। तब ये और ये कॉन्फ़िगरेशन ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी है, मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस, देन इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशंस, सो रोटेशन थ्रू एन एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशंस, सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल पोजेस इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। अब 90 है तो इस तरह चार कॉन्फिगुरेशन इस तरह, तो इसको फिर कहते हैं यानी 360 डिवाइड बाई 90 इसे 4, सो S4 यानी C4 90 है ना, तो C4 एंड देन सिग्मा H इट प्रोड्यूस S4 फोर फोल्ड इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। इसी तरह अगर इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर उस प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा, H1 ये H2 ये H3 और ये H4, पहले हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं सिग्मा से, फॉर एग्जांपल इस प्लेन से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये H1 और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे हो जाएंगे, यहाँ पर अगर मिरर लगा लेते हैं और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर नज़र आएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 यहाँ पर H1 और ये H3 ऊपर और H4 भी ऊपर, तो अब ये रिफ्लेक्शन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है क्योंकि ऊपर वाले हाइड्रोजन बोट के प्लेन में है, इधर नीचे वाले हाइड्रोजन के प्लेन बोट के प्लेन में है। अब इसको फिर क्या करते हैं, C4 अप्लाई करते हैं, रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो एक्सिस कौन सा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर हम अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, ये पहले ऐसे था, ये H1 और H2 बोट के प्लेन में है, जब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर क्या हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये H1 H2 नीचे आ गए हैं और 4 और 3। अब इस एक्स यहाँ से हमने क्या किया, इसके साथ इस प्लेन से रिफ्लेक्ट किया है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस हैं, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स है, ये मार्केट है, यहाँ से रोटेट करते हैं तो ऐसे रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये H3 इस तरह बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ये हो जाएगा H3 और ये H4 और ये जो बोर्ड के प्लेन में थे और तो H2 बाहर हो जाएगा, ये H2 और ये H1, तो अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशंस। तो हमने क्या किया है कि पहले सिग्मा अप्लाई किया है
और फिर C4 अप्लाई कर दिया है तो इससे बन गया है S4। इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इससे बन जाती है तो therefore वी से इट पोजेस S4। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं ईथेन। ईथेन का स्टेगर्ड फॉर्म इस फॉर्म में है ना CH3CH3। इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हैं एक्लैप्स्ड और सी एक ये कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा ये है। तो ये कौन सा है? ये स्टेगर्ड फॉर्म में है, ये वाला है ना, यानी इस बाहर वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन ऊपर है और दो साइड पर है ना। इस तरह इन साइड वाले हाइड्रोजन का कार्बन का एक हाइड्रोजन नीचे है और जो एक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा वो ऐसे होगा। तो हमने ये इस स्टेगर वाला ये देखना है, स्टेगर कॉन्फ़िगरेशंस। इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वो इस फॉर्म में अगर हम इसको देखना चाहें ना ऐसे, तो अभी क्या है कि एक कार्बन इस बिल्कुल हमारी तरफ है, कैमरे की तरफ है, और एक कार्बन इसके पीछे है। तो जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वन हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1 2 ही लिख देता हूँ, 1 ये 2 और ये 3 है, ये हाइड्रोजन है। और जो इनसाइड वाला कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये हाइड्रोजन 3 4 और ये हाइड्रोजन 5 और ये हाइड्रोजन 6। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मीथेन है ना, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोजन है, इस फॉर्म में है ये। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे रोटेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर इसको 60 से मैं रोटेट कर लेता हूँ, 60 डिग्री से अगर हम रोटेट करते हैं इस फॉर्म में है, जब 60 से रोटेट करते हैं तो ये कार्बन जो ऊपर वाला है ये ऐसे हो जाएगा, ये 4 की जगह पर आ जाएगा, ये कार्बन इधर 4 की जगह पर आ जाएगा। यानी इसको अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 इधर आ जाता है और ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये डॉट वाला कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और इसी तरह जो सर्कल वाले हैं ये 5 इधर ऊपर आ जाता है, ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 6। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, कैसे डिफरेंट हैं? देखिए स्टार्ट में ये था, बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इनसाइड वाले हाइड्रोजन ये कार्बन हाइड्रोजन नंबर 6 ये नीचे है, हाइड्रोजन नंबर 1 ऊपर है। जब इसको इस तरह 60 से रोटेट कर दिया है तो फिर क्या हो गया कि हाइड्रोजन नंबर 1 साइड पर आ गया है और इधर नीचे कौन सा आ गया, पहले क्या था, यानी हाइड्रोजन नंबर 1 ऊपर था ना, ऐसे हो गया, हाइड्रोजन नंबर 1 इधर आ गया है और ये जो हाइड्रोजन नंबर 6 था वो इधर साइड पे हो गया है। यानी एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर हो गया है और आउटसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे हो गया। पहले क्या था कि आउटसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर था और एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है। जब इसको 60 से रोटेट कर लेते हैं, 60 डिग्री से रोटेट करते हैं ऐसे, तो अब क्या हो गया कि बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे हो गया है और एन साइड के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर हो गया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस और ये कॉन्फ़िगरेशन ये डिफरेंट है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये ऑपरेशन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। अब इसके बाद इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। जब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ से, थ्रू एन एक्सिस, ये इस फॉर्म में है ना, ये बाहर ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन 3 है और ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है।
इस ये पहले ऐसा था, हाइड्रोजन वन ऊपर था, हाइड्रोजन सिक्स नीचे था। जब ऐसे रोटेट कर दिया है तो ये हाइड्रोजन नीचे बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे हो गया, ऊपर ये इंसर्ट हो गया। तो और ये इस मार्कर के इर्द हमने रोटेट किया है, इस मार्कर के इर्द रोटेट करते हैं। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी इधर मिरर लगा लेते हैं। तो इमेज कैसे बन जाएगा, यहाँ पर जो राइट साइड पर या जो बाहर का कार्बन है इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इसका जब इमेज बनेगा तो इमेज में ये लेफ्ट नज़र आएगा और ये जो लेफ्ट है ये राइट पे नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर जब हम मिरर इधर लग इस फॉर्म में है और इधर मिरर लगा लेते हैं तो क्या होगा, ये जो बाहर की तरफ है या जो यहाँ से अगर हम इस एंगल से देखते हैं यहाँ से तो ये राइट पर है, ये लेफ्ट पर है, इधर मिरर लगा लेते हैं। ये मिरर कहाँ पर लगा रहे हैं, थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशंस, या इधर सेंटर में लगा लेते हैं ना, तो इसका इमेज इस साइड पर बन जाएगा और जो लेफ्ट जो राइट साइड है इसका इमेज लेफ्ट साइड पर लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट का राइट पर बन जाएगा, या इधर मिरर लगाते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो क्या होगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फाइव फोर और सिक्स जो बैक साइड में है इन साइड वाले कार्बन के साथ हैं ये आगे आ जाते हैं, राइट पर हो जाएगा। तो ये डॉट से शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा फाइव, ये फोर और ये सिक्स, और ये जो बाहर वाले हैं जो डॉट से शुरू हो रहे हैं ये सर्कल में चले जाते हैं, बैक साइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा वन, ये थ्री और ये टू। अब ये और ये देख लें, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशन। बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है, इधर बाहर के कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है, वो हाइड्रोजन डिफरेंट है, पहले वन था अब फाइव है। इस तरह इनसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है, इसमें भी इनसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है, लेकिन वो पहले सिक्स था अब टू है। तो हाइड्रोजन डिफरेंट है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसलिए हमने ये किया कि सी सिक्स और सिग्मा एच इट प्रोड्यूस एस सिक्स फोर इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, यानी इसको इस तरह सिक्स टाइम रोटेट कर सकते हैं, या इसको अभी पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर रोटेट करते हैं तो उससे भी यही बनेगा। पहले हम एक प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो लेट्स सपोज इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में है, ये बाहर का हाइड्रोजन ऊपर है, इनसाइड के कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं तो क्या होगा, या इधर से अगर हम देखते हैं तो ये लेफ्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है, राइट वाले कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है। जब हम इस यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं तो उस इमेज में क्या नज़र आएगा, उसका इमेज कैसा होगा, उसका इमेज ऐसा हो जाएगा, यानी पहले राइट का हाइड्रोजन नीचे है, ये नीचे है, लेफ्ट ऊपर है, इधर जब मिरर लगा लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, अपोजिट हो गया, राइट साइड का हाइड्रोजन नीचे, लेफ्ट का नीचे ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, लेकिन ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, यानी जब इस पर हम सिग्मा अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फोर फाइव और सिक्स ये बाहर आ जाते हैं, फोर फाइव और सिक्स, और ये वन टू थ्री ये नीचे इन साइड में हो जाएंगे, ये वन टू और थ्री, पहले ऐसे था इस फॉर्म में, ये बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर, इन साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये वन है और ये सिक्स है। जब इस प्लेन से यहाँ से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका इमेज ऐसे हो जाता है, ये इसका इमेज हो जाएगा, ये जो पहले ये वन था अब ये भी बैक में चला गया है ना, ऐसा है, तो ये अभी ये सिक्स नीचे हैं। अब इसको हमने रोटेट करना है, ये इस प्लेन से हमने रेफर कर दिया है ना, अब इसको रोटेट करना है थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे रोटेट कर लेते हैं 360 से, तो ये फाइव वन की जगह पर आ जाएगा, 360 से ये हो जाएगा फाइव और फोर और सिक्स और ये वन टू और थ्री,
तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशन से, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड S6। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल्स वो आप खुद ट्राई कर लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपेनडाइईन, जिसमें से ये दो हाइड्रोजन बोट कैप्लिन में है और एक हाइड्रोजन बाहर है, ये इनसाइड में है। तो इसका क्या होगा, पहले यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, अगर 180 से 90 से रोटेट कर लेते हैं तो पहले ये एक हाइड्रोजन बाहर है एक इनसाइड में है, ये दोनों बोट के प्लेन में है। जब 90 से रोटेट करेंगे तो ये बाहर और इनसाइड में हो जाएगा, ये प्लेन में हो जाएंगे, और फिर इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इस प्लेन से, तो आप फिर देख लें कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इफ रिफ्लेक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल through a single point, reflection नहीं inversion, if inversion of all parts of a molecule through a single point, through a point produce an indistinguishable configurations. Configurations. Then the molecule is said to possess this center of inversion I. All parts are inverted, they are reflected through a single point. If all parts of an object or of a molecule are reflected through a single point, then it is said that that molecule possesses center of inversion. For example, benzene ले लेते हैं, ये carbon 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसके साथ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमने इसको, हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट से इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट का क्या मतलब कि इस 1 और 4 को आपस में एक्सचेंज करेंगे ना, इस तरह 2 और 4 हो जाएंगे और इस तरह 3 और 6 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये है इन्वर्जन। यानी अब उल्टा करना है, इन्वर्ट कर लेते हैं कोई चीज़ है, इसको इन्वर्ट करते हैं ना, इस तरह इस फॉर्म में है, इसको इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्जन। तो जब इसको हम इस तरह इन्वर्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल्स को थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये सारे इसी सिंगल पॉइंट से इन्वर्जन हो रही है ना, इस तरह सिंगल पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 यहाँ पर था, अब 1 यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर पहले 4 था, अब यहाँ पर 4 हो गया है, ये 2 और 5 तो ये 5 और 2 हो जाएंगे, और ये 6 और 3 है तो ये 3 और 6 हो जाएगा। तो ये हमने इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्जन। अब इस तरह, और कहाँ से, इस सिंगल पॉइंट से। अब अगर इस इन्वर्जन से कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो टू ओरिजिनल वाली मॉलिक्यूल्स, देन वी से दिस मॉलिक्यूल पोजेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो अब इसमें और इसमें कोई फर्क है, दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, कार्बन की पोजीशन चेंज हो गई है लेकिन सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो लिहाजा दिस मॉलिक्यूल पोजेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन।
सो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, क्योंकि जब हम इस मॉलिक्यूल के सारे पार्ट्स को इन्वर्ट करते हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर इट वाज अ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इस तरह ये n है, ये 1, 2, 3, 4 और 5, जब इसको इन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये n 2, 3 के साथ इन्वर्ट हो जाएगा, 2, 5 के साथ, 1 इसके साथ, तो क्या कॉन्फिगुरेशन बन जाती है, ये n और 3 हो गए, 2 और 5 और 1 और 4, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशन बन जाती है, पता चल जाता है इस मॉलिक्यूल्स और इसमें फ़र्क है, तो लिहाजा ये दिस डज नॉट पोजेस इन्वर्जन सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ सिमेट्री दिस मॉलिक्यूल इज नॉन सिमेट्रिकल। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इसी तरह इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, अगर सेस कर लें तो फिर इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और एक इस तरह हमने बेंजीन भी कर दिया है, वो भी साथ लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में एक पॉइंट में से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में किसी मॉलिक्यूल में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन में ये सेलेक्ट कर दिया है, ये बेंजीन में है, ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इस पॉइंट में से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पास करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाते हैं, एंड दिस स्ट्रेट लाइन मीट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, तो अब देखिए इसके दोनों सिरों पर एक जगह पर कार्बन है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, या इधर हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, सो दिस स्ट्रेट लाइन मीट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन एट अपोजिट साइड। इसी तरह अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पास करते हैं तो यहाँ पर भी दोनों साइड पर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाते हैं, यहाँ से पास कर लेते हैं फिर भी इक्विवेलेंट पोजीशन है, यहाँ से पास कर लेते हैं फिर भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर में से है, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर में से है, अगर एक साइड पर गुजार लेते हैं ऐसे हो जाएगा, तो जितना डिस्टेंस यानी सेंटर से ये जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ पर दूसरी तरफ भी होगा ना, ऐसे इधर आ जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंट पोजीशन है, ये डिस्टेंस यहाँ पर और ये पॉइंट इक्विवेलेंट है, यानी सेंटर से थोड़ा सा एक साइड पर है, इधर भी सेंटर से उसी हिसाब से एक साइड पर है, सो इस पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन को किसी भी डायरेक्शन में जब हम पास कर लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो जिस पॉइंट से हम लाइन को गुजार रहे हैं वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। इस तरह यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें अगर इस पॉइंट से हम लाइन पास करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों तो कार्बन है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है, कैसे, ये कार्बन एक तरफ नाइट्रोजन के साथ अटैच है एक तरफ कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, इसी तरह यहाँ से पास कर लेते हैं, अब ये कार्बन और ये कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, इस तरह यहाँ से पास कर लेते हैं, एक तरफ नाइट्रोजन है दूसरी तरफ कार्बन है, ये इधर से पास कर लेते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसमें से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं तो लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं आते, तो ये इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। इस तरह यहाँ पर देख लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में अगर ये हम देख लेते हैं, एक तो ये है कि इस पॉइंट से इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करते हैं, ये HCO अगर ये कार्बन इस कार्बन की जगह पर हो जाएगा, ये H इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये इसके साथ, ये तो इन्वर्जन है, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगरेशन बन जाती है। इस तरह अगर स्ट्रेट लाइन की टर्म में हम बात करते हैं तो यहाँ से इसमें से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर कार्बन कार्बन आते हैं, वो इक्विवेलेंट है। इस तरह इस डायरेक्शन में पास कर लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर हाइड्रोजन आते हैं, इस स्ट्रेट लाइन से अगर ये इस पॉइंट से अगर ये स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, इस तरह इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पास करते हैं इस पॉइंट से तो इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन इक्विवेलेंट पॉइंट्स या ग्रुप्स आ जाते हैं, सो देयरफॉर दिस
पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इस तरह यही इस केस में भी है, इधर से अगर हम लाइन पास करते हैं तो कार्बन और कार्बन, ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हैं, यहाँ से पास कर लेते हैं तो लाइन के दोनों एंड पर क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ से पास कर लेते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, और बेंजीन में भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। ये मॉलिक्यूल अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ से जब हम पास कर लेते हैं तो ठीक है, कार्बन कार्बन तो इक्विवेलेंट है, लेकिन अब इस डायरेक्शन में अगर पास कर लेते हैं या इस डायरेक्शन में पास कर लेते हैं तो लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं आते। सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन। और इसी तरह फिफ्थ नंबर है आइडेंटिटी, fifth symmetry element, that is the identity. Identity is actually to do nothing, and the rotation by 360. Identity, it is to do nothing. जैसा है ऐसा ही रहने दे, तो उसमें क्या होगा? इसका मतलब ये symmetry operation हर एक molecule में होगा, चाहे वो कितना ही unsymmetrical हो। For example, C, H, Cl, बी आर, और क्या अटैच कर ले, आई। तो दिस इज अ हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह रहने दें, पांच मिनट के बाद इसमें इसको इस तरह देख ले तो इसमें कोई फर्क होगा? ये ऐसा ही नजर आएगा। तो इसका मतलब टू डू नथिंग, या इसको अगर 360 से रोटेट करते हैं तो यही कन्फिगुरेशन बन जाती है, रोटेशंस बाय 360 डिग्री प्रोड्यूस एन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगुरेशंस। सो इट इज टू डू नथिंग है, यानी ये हर सिमेट्री एलिमेंट्स में, हर मॉलिक्यूल में ये सिमेट्री एलिमेंट्स पाया जाएगा, चाहे वो कितना ही अनसिमेट्रिकल क्यों ना हो। ये अनसिमेट्रिकल है ना, इसमें कोई भी और पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी इसको कर ले, सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आइडेंटिटी है, यानी अगर इसको 360 से रोटेट करते हैं या इसी जगह पर छोड़ दें तो ये ऐसा ही होगा। अब इसका कोई मतलब तो नहीं बनता, लेकिन पॉइंट ग्रुप में हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए इस टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखने में तो इसके जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों डिस्कस करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? लेकिन इसका फ़ायदा है, क्योंकि पॉइंट्स ग्रुप्स के कुछ शरायत हैं, उन शरायत को पूरा करने के लिए जब हमारे पास ये आइडेंटिटी ना हो तो वो शरायत पूरे नहीं होते, तो इसलिए ये इसको भी एक सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम पॉइंट ग्रुप की तरफ जाएंगे।